ये हार्ट ए बीस्ट बहुत तेज हिरन है। अपनी टीम के एक साथी के हेलमेट कैमरा में दर्ज इस वीडियो में नजर आ रहे प्रोफेशनल माउंटेन बाइकर को लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की इस पगडंडी पर ये रेस में सबसे आगे है। क्या तुम ठीक हो दोस्त? वो इस पर टूट पड़ा। मैंने उसे आते हुए देखा और वो बस, ये कौन सा हिरण है? शायद हार्ट बीस्ट थी। डॉक्टर को बुलाते हैं। गनीमत है कि इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। अफ्रीका के सवाना में आने वाले दे रहते हैं, लेकिन इनके शाकाहारी होने और एक दूसरे से मिलकर रहने का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत शांत किस्म के जानवर हैं। इन्हें विडो मेकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका में किसी भी और जानवर के मुकाबले इनकी चपेट में आकर ज्यादा शिकारी मारे जाते हैं। इनकी नजर और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी नाक बहुत तेज होती है। केप बफलो के शिकारियों का एक झुंड अपने समूह से अलग हुए एक दोस्त की तलाश में एक वॉटरिंग होल के पास पहुंचा। इन्हें पता नहीं है कि एक खूंखार बफलो को शिकारी की गंध मिल गई है और अब ये दिखाने वाला है कि शिकार होना कैसा महसूस होता है। अपनी औकात का पता चल जाने और 110 टांकों के बावजूद इस शख्स का विडो मेकर की चपेट में आकर बच जाना वाकई बहुत किस्मत की बात है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में लाखों लोग जानवरों को उनके कुदरती इलाके में देखने के लिए आते हैं। ओल्ड वेस्ट का प्रतीक माने जाने वाले बाइसन के झुंड बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकारी लोगों को बाइसन से 8 मीटर दूर रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे में एक फोटो खींचने का मौका भी जानलेवा हो सकता है। ये बेवकूफ लड़कियां उसके पास जा रही हैं। बाइसन 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर येलोस्टोन में हमलावर बाइसन की चपेट में आकर कई लोग हताहत हो चुके हैं। ये लड़कियां खुशकिस्मत थीं। हम पार्क में हैं और यहाँ एक बफलो है, वो रोड पर घूम रहा है। एक महिला अपने पति के लिए कुछ वेकेशन वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए। मैं आराम से चल रही हूँ, हम डोनाल्ड की फोटो लेंगे जब बफलो से अपने सींग मारेगा। आश्चर्यजनक रूप से महिला ने कैमरे को उस वक्त भी थामे रखा जब बाइसन उन्हें पटक कर कुचल रहा था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि भालुओं के मुकाबले बाइसन के हमलों की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद 3 गुना ज्यादा है। ये महिला बुरी तरह जख्मी हुई, लेकिन इनकी जान बच गई।